नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं आपका ही YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट बाबा। फ्यूचर रिटेल को बड़ा झटका, RIL शेयर होल्डर्स के लिए टेंशन। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट बाबा के साथ। दोस्तों RIL एंड फ्यूचर रिटेल के शेयर्स एंड फ्यूचर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ है कि RIL के शेयर्स ने फ्राइडे को जंप मारा है और फ्यूचर रिटेल के शेयर्स नीचे आ गए, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने रूलिंग में ये कहा है कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का फैसला यानी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच होने वाली डील को कैंसिल करना पड़ेगा। तब ऐसा क्यों हुआ है कि रिलायंस के शेयर ऊपर हैं और फ्यूचर रिटेल के नीचे हैं? क्या इसका मतलब है कि पब्लिक का सेंटीमेंट इस डील के लिए नेगेटिव है? ये डील नहीं हुआ तो फ्यूचर ग्रुप को कितना लॉस होगा? क्या इनसॉल्वेंसी रुक पाएगी? इंडियन रिटेल में रिलायंस रिटेल का क्या फ्यूचर होगा? फिर ये सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपका फ्री में डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, दूसरा आपको पहले साल कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को फॉलो करके ही आप डीमेट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे गौर से सुनिए, क्योंकि यहाँ से आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि अमेज़न का राइट टू रिफ्यूजल फ्यूचर रिटेल के डील में वैलिड है और RIL फ्यूचर डील आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी फ्यूचर कूपन्स में एक स्टेक खरीदा था 2 साल पहले, जिसमें एक क्लॉज था कि फ्यूचर रिटेल को फ्यूचर में अगर सेल किया गया तो उसका अमेज़न के कंपटीटर के पास नहीं बेचा जा सकेगा और पहला ऑफर अमेज़न को जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसका मतलब क्या है। जब अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप के साथ डील किया था, फ्यूचर कूपन्स में स्टेक खरीदा था, तो वहां पे एक क्लॉज ये था कि अगर फ्यूचर ग्रुप कभी फ्यूचर रिटेल को बेचती है फ्यूचर में, अगर जब भी बेचती है तो पहला ऑफर एक तो अमेज़न को जाएगा और वो कभी भी अमेज़न की कंपटीटर को नहीं बेचेगी फ्यूचर रिटेल को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। बात को समझ लीजिए, ये काम वकीलों का है जिन्होंने एक आने वाले कंपटीटर यानी रिलायंस रिटेल को आइडेंटिफाई किया और उसके लिए ऐसा एक एग्रीमेंट बनाया ताकि कंपटीशन का खतरा ही ना रहे। यानी फ्यूचर कूपन्स का डील हुआ ही इसलिए था कि रिलायंस को रोका जा सके रिटेल बिजनेस में एंटर करने। और दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है अगर डील हुआ है तो उसके एग्रीमेंट को लीगली रिस्पेक्ट करना ही होगा और इसलिए फ्यूचर ग्रुप RIL के डील को कैंसिल करना होगा। चलिए दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं दोनों के डील के बारे में, RIL और फ्यूचर ग्रुप, लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ्यूचर ग्रुप कितने पानी में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर क्या होने वाला है। उनके शेयर्स पिछले कुछ महीनों में 50% गिर गए हैं। किशोर बियानी ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि अगर RIL के साथ फाइनल नहीं हो पाया और मर्जर या एक्विजिशन नहीं हो पाया तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाएगी, मतलब बैंकक्रप्ट हो जाएगी। फ्यूचर ग्रुप का डेट रीपेमेंट के डेट्स भी काफी पास आ रहे हैं, इसलिए ये एक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो इंडिया का बिगेस्ट रिटेल चेन के लिए एंड ऑफ द रोड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में अगर डील को कैंसिल करने की बात की गई तो फिर ये बात साफ हो जाएगी कि फ्यूचर ग्रुप शायद एग्जिस्ट ही ना करे। यही डर इन्वेस्टर्स के दिल में बैठ गया है कि सुप्रीम कोर्ट की नेगेटिव वर्डिक्ट के बाद उनके पास एग्जिट का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वो जो टाइम बचा है उसी में एग्जिट कर रहे हैं और इसलिए ये ड्रॉप देखा गया है फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स। दोस्तों अभी तक हमने जाना कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स के प्राइस क्यों गिर रहे थे और वो RIL के साथ क्यों डील करना चाहती है। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं RIL क्यों ऊपर है, फिर उसके शेयर्स के प्राइस क्यों ऊपर जा रहे हैं। RIL इंडियन मार्केट का बड़ा हाथी है। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसको छोटे मोटे न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसेंटली RIL ने अपने रिफाइनरी बिजनेसेस को बेचने के लिए अरैमको के साथ डील के फाइनल होने का भी क्लेम किया है।
ये पॉजिटिव न्यूज है क्योंकि सबको पता है कि RIL अपनी रिफाइनरी बिजनेसेस से बाहर निकल के रिटेल और टेक में आना चाहती है। रिटेल मतलब रिलायंस रिटेल और टेक मतलब जियो एंड फाइव। दोस्तों, अरेमको के साथ डील के बारे में पॉजिटिव न्यूज शेयर्स को ऊपर ले जा रहे हैं और फ्यूचर रिटेल की खबर का इम्पैक्ट मंडे को भी देखना पड़ेगा कि वो RIL को इम्पैक्ट करती है या नहीं। लेकिन जियो के ऊपर RIL ने बड़ा बाजी लगाया है। रिटेल में उन्होंने व्हाट्सएप एंड फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करके अपना नया पेमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एडवर्टाइजिंग आउटरीच बढ़ाया जरूर है, लेकिन रिटेल अभी भी रिलायंस के प्रॉफिट में बड़ा रोल नहीं प्ले करता। और यही रीजन है शायद जिस वजह से इस वर्डिक्ट का RIL शेयर्स पे असर नहीं आया है। लेकिन अगर अरेमको का डील कंफर्म नहीं हो पाता, एयरटेल के सब्सक्राइबर जियो से आगे बढ़ते रहते हैं, 5G में एयरटेल और इलोन मस्क का स्टारलिंक कंपटीशन क्रिएट करते हैं, तो शायद RIL शेयर होल्डर्स के लिए बात चिंता की होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।